जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है कि इट इज़ अ रिटन एग्जाम, तो उसकी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस से करनी चाहिए। अब राइटिंग प्रैक्टिस या राइटिंग स्किल्स को बेहतर कैसे किया जाता है, तो यू सी ये कहा जाता है ना कि इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक गुड इंग्लिश स्टार्ट स्पीकिंग इट, इफ़ यू वॉन्ट टू राइट गुड इंग्लिश स्टार्ट राइटिंग इट। तो इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर रिटन प्रैक्टिस स्टार्ट राइटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और फिर लाइक जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, तो चले मैं थोड़ी सी बात पेपर अटैम्प्टिंग पे भी कर लेती हूँ। जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें ऑब्वियसली पेपर को अटैम्प्ट करने की या क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का एक तरीका होता है। आप अगैन एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, हो सकता है इनिशियली आपको नहीं होगा अंदाज़ा कि आपने उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, आप अटैम्प्ट करके अगैन किसी ना किसी को चेक करवाएं, इवेल्यूएट करवाएं, ताकि आपको आइडिया हो कि CSS में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और आपको किस तरीके से लिखना था। जनरली जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसमें एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए, उसके बाद कुछ बॉडी पैराग्राफ्स होने चाहिए जो कि आप तकरीबन 10 से 12 बॉडी पैराग्राफ्स एक आंसर में लिखें, और फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ होना चाहिए। तो इस तरह से प्रॉपरली आपको अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना होता है। फिर उसी आंसर में आपने बहुत सारे रेफरेंसेस लिखने होते हैं, लाइक अच्छी अच्छी बुक्स को कोट करना होता है या फिर किसी पर्सनालिटी को कोट करना होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में तभी आएंगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज यू सी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो राइटिंग स्किल्स आपके बेहतर तभी होंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एक आंसर को अटैम्प्ट करने के लिए ब्रॉडली, इन चीज़ों पे आप काम करें। फिर जब आप ये सब चीज़ें आपने एक दफ़ा लिख ली तो आप किसी से एवेल्यूएट करवाएं, आपको जो डेफिशिएंसीज पता लगेंगी नेक्स्ट टाइम के लिए उसको रिपीट ना करें, दैट वे आपकी राइटिंग इम्प्रूव होती रहेगी।